हेलो, तो कैसे आप लोग, स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। और ये है ट्रेन, ये यहाँ से कालाकुंड की तरफ जाती है, तो आप बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ओ भाई साहब, यहाँ से वहाँ तक कोई नहीं दिखाई दे रहा, मैं अकेला ही यहाँ पे ट्रेवल कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, यहाँ से वहाँ तक कोई भी नहीं, एक बंदा भी नहीं दिखाई दे रहा है, सुनसान, अकेला चल रहा हूँ। वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये है फर्स्ट टनल, तो आज आप लोगों को दिखाते हैं टनल, तो देख सकते हैं। क्या व्यू है, यहाँ पे तो कोई नहीं है भाई साहब। चेतावनी, रेलवे ट्रैक पर चलना कानूनी अपराध है, चट्टान पर चढ़ना व सेल्फी लेना सख्त मना है। यहाँ पे कुछ पेंटिंग बनाई गई है, ये और यहाँ पे हिरण की पेंटिंग, और यहाँ पे कुछ इस तरह लिखा है, घोड़े की नाल जैसा निर्माण दिया गया है। और ये राजपुताना मालवा रेलवे पातालपानी कालाकुंड, यहाँ पे ये वाली पेंटिंग बनाई गई, तो देख सकते हैं आप। पता नहीं क्या होने वाला है, चलो टनल दिखाते हैं आप। ये टनल के अंदर चल रहा हूँ भाई साहब, भाई साहब इस टनल में अकेला हूँ, आवाज़ गूंज रही है मेरी, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सच में। अकेला हूँ भाई साहब, और डर भी नहीं लग रहा है मुझे, इतना सुकून और इतना अच्छा फील कर रहा हूँ ना कि क्या बताऊँ, बता ही नहीं सकता है। ओ माय गॉड, ये टनल बाहर हो गए हम, देख सकते हैं यहाँ से व्यू, देखे भाई साहब कितना खतरनाक है। वाओ, यहाँ पे भी पेंटिंग्स बनाई गई है, तो देख सकते हैं आप। ये मेरे पीछे देखो, ये है टनल, यहाँ सुरंग नंबर 1 है, 551 मीटर है। ये है बाहर से कुछ ऐसी टनल दिखती है, और ये पहाड़ को कैसे खोद के बनाया गया है, तो चलो आगे चलते हैं, आगे वाली टनल दिखाता हूँ। रेलवे वहाँ पे लिखा था कि रेलवे ट्रैक पर चलना कानूनी अपराध है, अभी ट्रेन नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं ट्रैक पर चल रहा हूँ। तो यहाँ से एकदम से खाई, ये ओ बाप रे, खतरनाक, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ तो, एक डेंजरस खाई, कितनी हाइट होगी। और मैं सोच के आया था कि ताकि इधर भीड़ भाड़ वाला इलाका ना हो, तो मैंने जैसा सोचा था वैसा ही है यहाँ पे, और मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। यहाँ का व्यू कितना खतरनाक है। ये टनल नंबर 2 है, पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। भाई साहब यहाँ पे पानी का झरना, ये यहाँ से पानी टपक रहा है भाई साहब, ये और आवाज़ गूंज रही है पीछे। ये यहाँ पे कुछ इस तरह बनाया गया है टनल को, ये ओ भाई साहब, पर भाई साहब कोई नहीं है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे अकेले चलने में।
ये बाहर से दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह है। यहाँ पे ये नदी है भाई साहब, ये चोरल नदी है, पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे बहते हुए आ रही। कौन सा गांव है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा गांव है। ये तीसरा वाला टनल तो काफ़ी दूर है यहाँ से, तो थोड़ी देर आराम करते हैं फिर बाद में चलते हैं। यहाँ पे एक बैठने के लिए बनाया गया है, यहाँ पे दिखाते हैं आगे आपको। आज तो कुछ अलग ही लेवल पे मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है। और लास्ट तीसरी टनल आपको दिखाता हूँ, तो बने रहे वीडियो में। यहाँ पे ब्रिज बनाया गया है, ये पूरा लोहे का। काफी डरावनी जगह दिख रही है भाई साहब, ये यहाँ पे कुछ इस तरह। और वो जो साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ से इमरजेंसी में कोई उतर सकता है यहाँ पे नीचे। यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। और ये इधर के साइड का व्यू, ओ भाई साहब, काफी हवा चल रही है। सामने देखो कितनी हाइट पे लोग बकरी ले जाके चरा रहे हैं, इतनी हाइट पे पहाड़ पे लोग बकरी चरा रहे हैं भाई साहब देखो। और यहाँ से तीसरी टनल भी दिखाई देने लगी है, तो चलो लास्ट टनल है और उसको दिखा के यहाँ से रिटर्न जाना है। और यहाँ पे छोटे छोटे झरने, बारिश में काफ़ी पानी रहता होगा, यहाँ पे झरनों का आनंद बारिश में ही मज़ा आता है बारिश के टाइम पे। तो अभी लास्ट टनल बची है, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहे। लास्ट टनल भी दिखाता हूँ आपको, तो ये तो शायद लंबी है और यहाँ पे ट्रेन रुक के भी जाती है। व्यू तो देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे भी एक झरना है, वो सूख गया है, वो सामने दिखाई दे रहा है। ये भी 522 मीटर की टनल है। और यहाँ बारिश में तो काफ़ी यहाँ पे ग्रीनरी रहती होगी। ये झरना दिखाई दे रहा है, वो सूख गया है, एक एक बूंद बूंद पानी टपक रहा है। तो यहाँ पे बारिश में मेसमराइजिंग व्यू देखने को मिलता होगा, अद्भुत और एडवेंचरस। विंटर का मौसम है तो भी पत्ते निकलने लगते हैं, इसलिए जो ग्रीनरी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती, ताकि और वो नई ग्रीनरी आ सके। ये टनल नंबर 3, ये तो काफ़ी अंधेरी दिख रही है। तो भाई साहब टनल नंबर 3 पे पहुंच गया हूँ मैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, घोड़े के नाल का आकार का इसका डिस्क्रिप्शन। और ये टनल नंबर 3 सामने देख सकते हैं आप, कब बनाया गया है वो चीज़ें लिखी गई हैं। वाह, तो चलो चलते हैं आगे की ओर। और ये वाला टनल भी दिखा था, तो भाई साहब तो यहाँ का व्यू ये कुछ ऐसा है। यहाँ तो पूरा पत्थरों से पूरा पैक करके बनाया गया है ये वाले टनल। तो ये टनल भी लंबी तो नहीं है, बराबर ही है। तो ये 33rd टनल, और देख सकते हैं इन टनलों में मैं अकेला चल रहा हूँ भाई साहब, पर जो अंदर की जो हैप्पीनेस और जो अंदर का सुकून है ना, वो क्या ही बताऊँ भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी देर तक बैठा रहूँ, लेकिन क्या करें, सारा दिन तो बैठा नहीं जाएगा भाई साहब। और ये आपको तीनों टनल कैसी लगी तो ज़रूर बताना प्लीज़। और मेरे वीडियो भी देख लिया करो यार। तीनों टनल ख़त्म, यहाँ से तीनों टनल यहाँ से ख़त्म हो गई हैं। तो अब यहाँ से मैं वापस जाता हूँ, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताना। कुछ इस तरह बनाया गया है ये बाहर से।